हिंदी क्रिश्चियन मतलब चेक दी फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब ए का वैल्यू 5 हो और बी का वैल्यू 5 हो, कंटिन्यूअस चेक करना है ए का वैल्यू 5 होगा कि बी का वैल्यू 5 पर कंटिन्यूअस होगा, या ए वाला ए का वैल्यू -5 होगा एंड बी का वैल्यू 10 होगा तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस चेक करना है। तो कंटिन्यूअस चेक करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल एच एल एट 1 पर चेक कर लेते हैं, शॉर्ट मतलब तो 1 पर चेक कर लेते हैं तो क्या 5, आर एच एल पर चेक कर लेते हैं तो क्या हुआ ए प्लस बी, तो यार ये तो मतलब 1 पर कंटिन्यूअस होगा नहीं, मतलब ये तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, अब ये डायरेक्ट यहाँ से ए और बी का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं ए पर। अच्छा अब थ्योरी पर चेक करते हैं, थ्योरी पर तो एल एच एल कितना लिख सकते हैं, एच एल एल एच एल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री भी लिख सकते हैं अब आर एच एल क्या लिख सकते हैं, अरे यहाँ पर भी एफ ऑफ 1 वी 5 ही आ रहा है, ये तो ऐसे नहीं 1 पर कंटिन्यूअस होगा नहीं, थ्री पर चेक करते हैं आर एच एल क्या होगा, थ्री पर तो ए प्लस 15 बी और एफ ऑफ थ्री पर चेक करते हैं, तो थ्री पर चेक करते हैं तो ए प्लस 15 बी होगा, यहाँ से भी मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि ए और बी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये भी कंटिन्यू मतलब कि ए और बी के लिए मतलब क्या होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ से अब 5 पर चेक करते हैं, तो 5 पर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 पर चेक करते हैं तो एल एच एल क्या होगा, एल एच एल क्या होगा देखिए 5 पर चेक कर रहे हैं तो 5 पर चेक कर रहे हैं तो एल एच एल हो गया बी प्लस, अरे यार थ्री पर जब चेक कर रहे थे तो क्या होगा, थ्री पर चेक कर रहे थे तो आर एच एल क्या होगा, आर एच एल 15 होगा ना, ए प्लस 15 होगा, मतलब कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ से। अच्छा 5 पर चेक कर रहे हैं तो एल एच एल क्या होगा, 5 पर चेक कर रहे हैं तो 5 पर चेक कर रहे हैं तो एल एच फाइव फाइव पर चेक कर रहे थे एल एच बी प्लस हो गया 25, बी प्लस हो गया 25 और आर एच एल क्या हो गया, आर एच एल 30, एफ ऑफ 5 पर चेक कर रहे हैं तो क्या होगा 30, यहाँ से भी मतलब कि क्या ये भी कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब कि देखिए मतलब कि क्या ए और बी का वैल्यू डायरेक्टली ए पर मतलब 1 पर नहीं निकाल सकते हैं ना थ्री पर निकाल सकते हैं, यहाँ से केवल बी 5 पर भी निकाल रहे हैं तो क्या मतलब कि बी ए का वैल्यू निकल रहा है इसके बाद ए का वैल्यू निकल रहा है, तो क्या फाइनली हम कह सकते हैं कि क्या नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन 4 सही होगा।